हेलो फ्रेंड्स, बहुत से बच्चों में क्या होता है कि उनमें कमजोरी होती है, उनको चक्कर आने लगते हैं और कमजोरी के कारण उनको भूख नहीं लगती, वो दुबले पतले हो जाते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अजीम फार्मा पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्बिटोन किड सिरप के बारे में। दोस्तों, जो आर्बिटोन किड सिरप होती है, जिसका उपयोग बच्चों में करते हैं जिनकी उम्र 0 से 5 साल तक है, उस कंडीशन में आर्बिटोन सिरप का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आर्बिटोन सिरप के कंपोजिशन के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, और दोस्तों हम बात करेंगे इसके डोज के बारे में, यानी इसके खुराक के बारे में। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि आर्बिटोन किड सिरप में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों, इसमें फेरस ग्लूकोनेट पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है, कैल्शियम लैक्टेट पाया जाता है और विटामिन B12 पाया जाता है, जिसको दोस्तों साइनोकोबालामिन भी कहते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आर्बिटोन किड सिरप में पाई जाती हैं। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी MRP के बारे में, यानी इसके प्राइस के बारे में। दोस्तों, आर्बिटोन किड सिरप आपको मेडिकल स्टोर पे लगभग 125 रुपये तक यह सिरप आपको मिल जाएगी। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में, यानी इसके इस्तेमाल के बारे में। दोस्तों, इसका उपयोग आयरन की कमी वाले एनीमिया के इलाज में इसका उपयोग करते हैं। दोस्तों, जब बच्चों में आयरन की कमी हो जाती है तो दोस्तों उसमें एक रोग हो जाता है, यानी एक बीमारी हो जाती है जिसको एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, उस कंडीशन में बच्चों में आर्बिटोन किड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, इसका उपयोग सामान्य कमजोरी में करते हैं, जब बच्चों में सामान्य कमजोरी हो जाती है उसमें इसका उपयोग करते हैं। और दोस्तों, जो आर्बिटोन किड सिरप होती है, जब बच्चों में खून की कमी हो जाती है दोस्तों, उस कंडीशन में आर्बिटोन किड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, जब बच्चों में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो दोस्तों उस कंडीशन में आर्बिटोन किड सिरप का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों, जब बच्चों में भूख की कमी हो जाती है, बच्चों को भूख नहीं लगती, उस कंडीशन में आर्बिटोन सिरप बहुत ही उपयोगी होती है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, यानी इसके खुराक के बारे में। नवजात शिशु में, यानी जो न्यू बॉर्न बेबी हैं, उसमें दोस्तों इसका उपयोग 6 ड्राफ्ट सुबह और 6 ड्राफ्ट शाम को करना है। और दोस्तों, जिसकी उम्र, यानी जिन बच्चों की उम्र 2 से 5 साल तक है दोस्तों, उस कंडीशन में 8 से 10 ड्राफ्ट सुबह और शाम करना है। वहीं पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी इससे होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में। हेडेक, यानी सिर में दर्द हो सकता है, अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, डिजनेस, चक्कर आ सकते हैं और जीभ लाल पड़ सकती है, और दोस्तों मल का रंग काला पड़ सकता है। दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं या इसके अलावा और भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिख रहे हैं, उस कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाके एक बार सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।